नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे प्रीति जिंटा और मयंक अग्रवाल अपने आखिरी मुकाबले में रो पड़े और उन्होंने बताया कि केएल राहुल होता तो शायद आज उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंच गई होती। जी हां, आपको बता दें, पंजाब किंग्स की टीम दोस्तों आज सनराइजर हैदराबाद से टक्कर ले रही थी, जहां पर सनराइजर हैदराबाद को पंजाब किंग्स ने पटखनी भी दे दी। लेकिन मयंक अग्रवाल की कप्तानी में एक बार फिर से बहुत सारी कमी देखने को मिली और साफ झलक रहा था कि केएल राहुल की कमी है और लग रहा था कि केएल राहुल होते तो शायद आज मयंक अग्रवाल की टीम प्लेऑफ में होती। तो चलिए बताते हैं कि आज का मुकाबला कैसा रहा और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे केएल राहुल की कमी सीधे मयंक अग्रवाल और प्रीति जिंटा को खली है। दोस्तों, आपको बता दें, आज सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में मुकाबला खेला गया, जहां पर सनराइजर हैदराबाद ने आज टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ये फैसला सनराइजर हैदराबाद पर ही भारी पड़ गया। आज सनराइजर हैदराबाद की तरफ से पहले प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा आए थे। प्रियम गर्ग सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा, ये खिलाड़ी लगातार टीम इंडिया में आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और इस खिलाड़ी ने 32 गेंदों पर आज 43 रन जड़ दिए। अपनी पारी में इन्होंने 5 चौकों के साथ साथ 2 छक्के भी जड़े। इसके अलावा आज राहुल त्रिपाठी ने 18 गेंदों पर एक छोटी सी 20 रनों की ही पारी खेली। वहीं एडन मरकरम ने 17 गेंदों पर आज 21 रन बनाए, जबकि निकल्स पुरन आज फ्लॉप रहे, 10 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने आज 19 गेंदों पर 25 रनों की एक छोटी सी लेकिन शानदार पारी खेली। इसके अलावा रोमियो सेफर्ड ने 15 गेंदों पर अंत में 26 रन बनाए। तो गिरते पड़ते आज सनराइजर हैदराबाद की टीम 157 रनों तक पहुंच गई 8 विकेट के नुकसान पर। अब इसके बाद पंजाब किंग्स को जीतने के लिए इस टारगेट को चेस करना था। ऐसे में जॉनी बेस्टो और शिखर धवन आए थे। दोस्तों, आज जॉनी बेस्टो ने 15 ही गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। इसके अलावा दूसरी तरफ आज देखने को मिला कि शिखर धवन ने 32 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। शिखर धवन की ये पारी काफ़ी कारगर रही और इन्होंने लगातार अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। इसके अलावा शाहरुख खान आज 10 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं मयंक अग्रवाल आज बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए और लगता है कि इनके अंदर कप्तानी वाले लक्षण हैं ही नहीं। इन्होंने 4 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बनाया और आउट हो गए। यहाँ पर साफ साफ केएल राहुल की कमी खली है, क्योंकि केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते थे कई मुकाबले में, लेकिन आज मयंक अग्रवाल बुरी तरह से फ्लॉप रहे। इसके अलावा फिर लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार फिर से भूतों की तरह पारी खेली है और इन्होंने बहुत बुरी तरह से धोकर रख दिया आज सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों को। लियाम लिविंगस्टोन ने 22 ही गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में इन्होंने 2 चौकों के साथ साथ 5 छक्के भी जड़े। इस दौरान इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 222 का था, जबकि जितेश शर्मा ने 7 गेंदों पर आज 19 रन जड़ दिया। तो कुल मिलाकर के आज पंजाब किंग्स ने 160 रन बहुत आसानी से बना लिए। सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर ही इस टारगेट को इन्होंने चेस कर लिया और पूरे 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। अब इसके बाद मयंक अग्रवाल और प्रीति जिंटा का मानना है कि अगर केएल राहुल होता तो निश्चित तौर पर उनकी टीम आज प्लेऑफ में पहुंच जाती, लेकिन इतने मुकाबले जीतने के बाद भी आज मयंक अग्रवाल की टीम प्लेऑफ से बाहर हुई है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है केएल राहुल की कमी खली है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।